एक बार फिर से तैयार हो अपने अगले टॉपिक के साथ, दैट इज फॉर्मेलिटी। आइए देखते हैं कि फॉर्मेलिटी क्या होता है। बहुत से बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा फॉर्मेलिटी के बारे में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि फॉर्मेलिटी कुछ हद तक सिमिलर है मोलारिटी के और कुछ हद तक डिफरेंस भी है, इसमें अंतर है। तो ज़रा देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, उससे पहले समझते हैं होता क्या है। फॉर्मेलिटी को बोलते हैं कि ये एक रेशो है जिसमें नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, या जिसे एक और नाम से जानते हैं फोर मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास या फोर मोल्स किसके, आयोनिक कंपाउंड के फोर मोल्स की संख्या किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इट इज नंबर, किस चीज का नंबर, ग्राम फॉर्मूला मास या फिर फोर मोल्स किसके, आयनिक कंपाउंड के, कहां प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में। लाइन तो ठीक है, लेकिन अगर इसे रिलेट करें मोलारिटी से तो कैसे, तो देखो फॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विद मोलारिटी। देखो मोलारिटी में क्या था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पे फॉर्मेलिटी देखो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, जिसको हमने क्या नाम दिया, फोर मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये कह सकते हैं फोर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों ही टर्म्स में वॉल्यूम है, और डिफरेंस ये है कि उसमें मोल्स हैं, इसमें फोर मोल्स हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये तो पता ही नहीं कि ये फोर मोल्स होते क्या हैं या कैसे इन्हें कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बताओ, फोर मोल्स कोई बहुत यूनिक टर्म नहीं है, इसको निकालने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फोर मोल्स को निकालने का तरीका ये रहा, जिसमें आप क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड का जो भी वेट आपने सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बनाने के लिए डाला है, आयोनिक कंपाउंड का गिवन मास, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है, यानी डिवाइड करना है उसे फॉर्मूला यूनिट मास से, मतलब ये वाले फोर मोल्स को डिफाइन करने का फर्दर तरीका, इट इज द रेशियो ऑफ द गिवन मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूनिट मास। फिर से एक डाउट आ जाता है, सर ये फोर मोल्स क्यों जरूरत पड़ा है, हम सीधा मोल्स क्यों नहीं कर सकते। तो भाई एक छोटी सी बात, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। होप कि सबको पता होगा, लैटिस बनाते हैं, लैटिस मतलब कि बहुत सारी फॉर्मूला यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं, इकट्ठी होती हैं, एक साथ होती हैं, तो इसलिए उनके लिए हम मोल्स की बजाय फोर मोल्स यूनिट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फोर मोल्स। तो फोर मोल्स निकालने का तरीका सामने आया। अब मैं इन फोर मोल्स की वैल्यू पर वाले फॉर्मूले में डालूंगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेलिटी इज इक्वल, ये रेशो जो आपकी है डब्ल्यू बाय MF, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट का मास है, कोई भी, जैसे NaCl एक फॉर्मूला यूनिट का मास, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक फॉर्मूला यूनिट का मास, एक सिंगल फॉर्मूला यूनिट का मास। तो गिवन मास बाय फॉर्मूला यूनिट मास एंड द वॉल्यूम इज देयर इन लीटर। इफ द वॉल्यूम इज नॉट इन लीटर तो आपको पता है ऊपर 1000 फैक्टर लगाया जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ सब्सक्रिप्ट में आपको बता रखा है कि कौन कौन सी यूनिट, W यहाँ पे आपके मास है या जिसे हम वेट कहते हैं, बट ध्यान रहे ये गिवन कंपाउंड इट शुड बी आयोनिक, स्पेशली अगर कहा जाए तो फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमें जो प्रोवाइड कर रखा है अब, वो उसमें लिखा हुआ कि इतने ग्राम NaCl है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, उसको पानी में मिलाया गया और इतना वॉल्यूम सॉल्यूशन बना, और हमसे फॉर्मेलिटी निकालने की बात कर रहा था। क्वाइट सिंपल कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी इज इक्वल, आप गिवन डेटा लिखेंगे जिसमें आपको W दे रखा है ये, सो W हमारा फॉर्मूला था WmF into वॉल्यूम, और एक चीज़ आपको याद होगा कि सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप सीधे ही वॉल्यूम जो है ml वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर था 1000 फैक्टर, सो गिवन मास है 5.85 into 1000 डिवाइड बाई, अब ये फॉर्मूला यूनिट मास, तो अगर मैं फॉर्मूला यूनिट मास की बात करूं, मास ऑफ NaCl, तो आप सबको पता होगा इट इज 58.5 ग्राम, इस तरीके से लिया जाता है, तो उसको सीधे ही आप यूज कर लें 58.5 इंटू, और आपका वॉल्यूम कितना है 500, तो आप समझ सकते हैं
कि यहां से आप इसे सीधे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये आपका 100, 10, तो 5, इट इज 1/10.1 फॉर्मल। देखिए जैसे मोलारिटी के सॉल्यूशन को मोलर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग फॉर्मेलिटी को फॉर्मल सॉल्यूशन से शो कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा और कंफर्म कर लें। हाँ जी, तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। तो ध्यान देना, सॉल्यूट हमारे पास बेंजोइक एसिड है, इसका वेट दे रखा है, सो डब्ल्यू इज 2.44 ग्राम इज गिवन, और ये एक लीटर सॉल्यूशन बनाता है, तो यानी वॉल्यूम जो है वो आपका 1 लीटर ही है। अब कहता है कि फॉर्मेलिटी निकालिए, तो जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, वही डब्ल्यू बाई एम एफ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑलरेडी इन लीटर, तो 1000 की बात नहीं करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूनिट मास चाहिए जो कि हमें दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक फैक्ट जो कि हमें बताया जाता है वो ये कि जो C6H5C double, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, ये आपका क्या है, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। जैसे ही आप इसे बेंजीन में डालते हैं ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब होता है, डाइमराइज का मतलब होता है कि इसकी दो यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे, इसे बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे, तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं डाइमराइजेशन। तो इस तरीके से अगर मैं आपको डाइमराइजेशन का पूरा पार्ट दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है। देखिए ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं और वो सॉल्यूशन में उन्हें दो गिनने की बजाय उन्हें एक गिना जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट का मोलर मास इन्होंने दे रखा है, हमें एक यूनिट का मोलर मास दे रखा है, तो यहाँ पे इस केस में हमें फॉर्मूला यूनिट मास को ट्वाइस करना पड़ेगा। ये एबनॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये डाइमर नहीं बनाता, सपोज ये डाइमर नहीं बनाता, डाइमराइज नहीं होता, तो हम ये ट्वाइस नहीं करते। तो इसके लिए, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एमएफ हमें करना पड़ेगा, और एमएफ हमें दे रखा है 1 double 2। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो इस हिसाब से आपका ये जो क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाएगा, इसको ऑन सॉल्विंग इट इज 00, और यहाँ से आपका ट्वाइस, और ये आपका पूरा 0.01 फॉर्मल सॉल्यूशन। जरा चेक करें इसे। हाँ जी, अब मूव करते हैं एक अच्छे फैक्ट की तरफ कि जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्योंकि इसमें वॉल्यूम है। तो हमने देखा फॉर्मेलिटी जो था, फोर मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब आपको बताया जाए कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो जैसे मोलारिटी में चेंज आता था वैसे ही यहाँ पे फॉर्मेलिटी में चेंज आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है जिसकी वजह से फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब साफ ये समझ आता है, दस फॉर्मेलिटी ऑल्सो अफेक्ट विद टेम्परेचर। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखें, और आपको ये तो पता ही होगा कि डिक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा वाइल जो फॉर्मेलिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, दैट्स ऑल विद द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक।